हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने आप सबके सामने लेके आई बहुत ही हेल्दी टिप्स। चलो शुरू करते हैं, क्या टिप्स है आप लोग के लिए। मैं हूँ सुप्रिया, सुप्रिया रन्नाघर में आप सबको स्वागत है। आज मैंने कोई कुकिंग का रेसिपी लेके नहीं आई, लेके आई हेल्दी समर के लिए एकदम बेस्ट नीम पत्ता। नीम का पत्ता सबके लिए महत्वपूर्ण है। और ये आप देख रही हो पेड़ में छोटा छोटा कौवला पत्ता निकला। अब ये समर के टाइम पे जैसे दोपहर में हम लोग चावल खाते, चावल के साथ ये नीम पत्ते का जैसे सब्जी बनाते हैं एक आलू और बैंगन के साथ, ये सब्जी ये समर की सीजन में बना के सबको खाना चाहिए। क्योंकि ये खाने से ना बहुत कुछ बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। ये समर में बहुत कुछ बीमारी आते हैं और इसलिए समर इस टाइम पे बसंत महीना जो रहता ना, इसमें क्या है गाच में जो बड़ा पत्ता रहता ना वो पूरा झड़ जाता है और एकदम कौला पत्ता निकलता है। और इसी टाइम पे ये पेड़ में देखो एकदम छोटा छोटा पत्ता निकला है। और ये पत्ते को अच्छे से आलू और बैंगन के साथ, कोई कोई तो सुखाई इससे भी इसको बना लेते हैं और चावल के साथ खाता है। सबसे पहले खाना चाहिए चावल में। और ये नीम पत्ते से ना बहुत बीमारी का दवाई बनता है, बहुत हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और ये इसलिए नीम का पत्ता सबको सेवन करना चाहिए। और नीम का पत्ता खाने से बहुत हमारा शरीर में जैसे बहुत बड़ा बड़ा बीमारी रहता है ना, सबको दूर करता है ये नीम पत्ते। हमारा डेली रूटीन में रखना चाहिए। और इसका जो पेड़ है ना ये दाथन की भी काम आता है, इसलिए शुरू से ही सबको करना चाहिए, छोटे या बड़े सबके लिए महत्वपूर्ण है ये नीम का पत्ता। ये खाने से क्या होता है, हमारा हार्ट जो रहता है ना हार्ट अच्छा रहता है। दिल की बीमारी, कोई भी जैसे मुहासे, हमारा जो स्किन का प्रॉब्लम रहता है, अब एक जो बसंत महीना है इस टाइम पे मुख का बहुत प्रॉब्लम होता है स्किन में, हार्ट का भी प्रॉब्लम रहता है, जुकाम काशी, इनके लिए बहुत काम करता है ये नीम की पत्ता। इसलिए हमारा शरीर में जो खून रहता है ना उसको भी ठीक करता है ये नीम का जूस। इसलिए हम लोग को सबको थोड़ा कम करके भी हर रोज पीना चाहिए नीम का जूस। और इस टाइम पे जो मुख में फुंसी आते मुहासिर आते हैं वो ठीक कर देती है ये नीम का जूस। और इसको अच्छे से बॉईल करके उसके बाद इसको हर रोज़ थोड़ा टाइम करके पीना चाहिए, इससे आपका चेहरा निखर आता है। और हमारा शरीर का जो खून है मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करते है, मुख का जितना भी परेशानी होता स्किन का सभी ठीक कर देती है इसका जूस। और हमारा जो शरीर में जो सर दर्द होता है नीम का जूस से वो भी ठीक हो जाता है। नीम की पत्ते से सेवन करने से किडनी भी ठीक रहते, स्टमक भी ठीक रहते हैं। और इसलिए सबको छोटे से बड़े सबको इसका जूस पीना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और नीम का पत्ता इसका गुण जितना भी बोलो कम हो जाएंगे, इसका गुनागुण मन विचार नहीं कर सकते। इस शुगर के लिए इतना महत्वपूर्ण है क्या बताओ। हर रोज़ इसको सेवन करने से, इसका जूस बनाओ या टैबलेट बना के खाओ, कोई भी करो, इसके कारण से शुगर लेवल कंट्रोल में भी आ जाता है। इसलिए सबके लिए ज़रूरी है ये नीम पत्ते का बड़ी या जूस बना के पीना। और इसमें आपका शुगर भी कंट्रोल हो जाएंगे, बहुत सारी बीमारी से आप लड़ भी सकते हो जैसे कैंसर, और आपका मन भी स्फूर्त रहेंगे। और आपका शरीर का खून, ब्लड प्रेशर, हमारा शरीर में सब कुछ कंट्रोल में रहता है ये नीम का पत्ता सेवन करने के लिए। इसलिए आप लोग भी ट्राई करो। और मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो फ्रेंड लोग के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। और जब कहाँ से आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हो वो भी कमेंट करके मुझे बताना। ये नीम का पत्ता इस महीने में जैसे मार्च अप्रैल महीने में बहुत ही इंपॉर्टेंट, मई महीने तक आप लोग ये अच्छे से अभी गर्मी के टाइम पे ज़्यादा ज़्यादा सेवन करना। और इसका भी एक नुकसान भी है, बहुत ज़्यादा नहीं सेवन करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सेवन करना चाहिए, ज़्यादा खाने से भी इसमें प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। चलो आज के